वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं नया दिन नए व्लॉग से। तो मेरा ना फर्स्ट किचन था अखिल के घर पे, तो मुझे कुछ बनाना था। शादी के बाद जो होता है लड़कियों को फर्स्ट किचन होता है, तो उसमें बनाना पड़ता है कुछ। तो यार मेरा तो इतना डर था मुझे कि मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है किचन में बनाना। बट मुझे एक चीज आती थी, वो है आटे का हलवा। तो मैंने वो बनाया था और मेरे फादर इन लॉ को बहुत अच्छा लगा था वो। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड थी यार कि ठीक है, कुछ तो आता है। मैं आपको बहुत इजी, बहुत सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ इसकी। तो हलवा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यार मेजरिंग कप। जो मेजरिंग कप है वो बड़ा छोटा हो सकता है, हमको कितना बनाना है उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे तीन चीज ले ली है, शुगर, आटा और घी। घी मैंने थोड़ा कम लिया है और एक ही मेजरिंग कप यूज किया है मैंने तीनों के लिए। शुगर और आटा मैंने सेम लेवल यूज किया हुआ है और घी आप देख सकते हो मैंने हल्का कम लिया है, क्योंकि घी बहुत ज्यादा मुझे लगता है। वैसे जो प्रॉपर कड़ा प्रसाद होता है इसमें पूरा फुल होगा घी का। अगर आपको घी ज्यादा पसंद है आप खा सकते हो, तो आप इसमें फुल कर सकते हो। तो तीनों की क्वांटिटी सेम होती है, एक ही कप लेंगे हम। जितना हमने आटा लिया है उतना ही हम शुगर लेंगे और उतना ही हम घी लेंगे। तो मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं घी डाल रही हूँ और एक साइड एक पैन ले लिया है मैंने और सेम मेजरिंग कप लिया है। और यहाँ पे हम दो कप डालेंगे वाटर के। हमने सारी चीजें एक एक कप ली है बट वाटर का जो क्वांटिटी होगा वो दो रहेगा। तो घी गर्म हो गया है, मैं इसमें आटा मिक्स कर रही हूँ और इस साइड हमारा पानी गर्म हो गया है, तो मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। तो बहुत ही इजी, क्विक और टेस्टी रेसिपी है यार ये। तो जिनको, जो मेरे जैसे जिनको किचन में इतना कुछ नहीं आता है बनाना, तो प्लीज आप लोग ट्राई करो। ये बहुत इजी है, बस मेजरिंग कप लेना है और जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ वही फॉलो करना है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इवन बॉयज लोग, आप लोग भी अपने मम्मी के लिए या अपनी वाइफ के लिए बनाकर इम्प्रेस कर सकते हो अपने वाइफ को। यू कैन सी वीट बबलिंग एंड लुक एट द कलर यार, इट्स चेंजिंग वेरी नाइसली। एंड यहाँ भी हम लोग का जो शुगर है वो मेल्ट हो गया है। तो शुगर को हमें ऐसे चाशनी वगैरह का कुछ नहीं है इसमें, बस शुगर इसमें मेल्ट हो जाना चाहिए। और स्टार्टिंग में हमें लगता है यार पानी बहुत ज़्यादा ले लिया, बट पानी एकदम परफेक्ट है, आपको दिखाऊंगी मैं आगे आगे। इसमें हम ये पूरा पानी ऐड करेंगे एंड नाउ इट हैज़ बिकम लाइट ब्राउन बट वी हैव टू टेक इट टू डार्क रिच इवन ब्राउन कलर। इट कैन बर्न वेरी क्विकली। ये आटा बहुत ही सैंडी टेक्सचर का होना चाहिए, सैंड जैसा इसका आना चाहिए जो टेक्सचर है। कलर इज जस्ट परफेक्ट, इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। नो ड्राई फ्रूट, नो इलायची, ये इसी में इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद है और आपको इसका टेस्ट एनहेंस करना है। तो मैं इसमें अभी पानी ऐड कर रही हूँ जो मैंने शुगर का बनाया हुआ था। अभी आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा पानी हो गया है, बट पानी बिल्कुल भी परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसे प्रॉपर ये बनाएंगे। ये प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, कंटिन्यूअसली हमें स्टायर करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो कंटेनर है, मेजरिंग कप है, वो परफेक्ट होना चाहिए। आप अंदाजे से बनाओगे यार कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है अंदाजे से बनाने का, बट हमेशा मेजरिंग कप से जो मैंने बनाया है वही सबसे बेस्ट बना है। और जैसे हम अंदाजे से बनाते हैं तो कुछ ना कुछ, या तो हलवा बहुत ज्यादा ठीक बन जाता है या बहुत पतला बन जाता है। और हमारा हलवा रेडी है, हलवा बन गया है। तो अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, घर पे ही ट्राई करो। और आप जिसके लिए बना रहे हो उनको कैसा लगा मुझे कमेंट में प्लीज बताना। तो ये आ गया है हमारा सोसाइटी का मंदिर,
मैं कुछ फ्लावर्स ले आई हूँ और हलवा रखा है मैंने इसमें।